So give me reason to pull me wrong, to watch this memory came. Let now fall across the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, that meant this space between. Let it be now to be the truth, the light. चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इस गाने को इजी करने के लिए मैंने फर्स्ट फ्रेट पे की को यूज किया। इस गाने की जो स्केल है वो है एफ माइनर, ठीक है। तो जो कॉर्ड्स लगे हुए इस गाने में वो है ई माइनर, फिर उसके बाद है जी मेजर, डी मेजर, और एक जगह डी सस्पेंडेड फोर भी है अगर आप यूज करना चाहें, अदरवाइज डी से ही काम चल सकता है, ठीक है। तो डी मेजर एंड डी सस्पेंडेड फोर, उसके बाद है ए मेजर, लास्ट में सी मेजर, ठीक है। तो इतने कॉर्ड्स यूज हुए, फिर से देख लेते हैं। ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर, ए मेजर, सी मेजर एंड डी सस्पेंडेड फोर अगर आप प्ले करना चाहें तो, अदरवाइज आप डी से काम चल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। तो चलिए रिदम की तरफ चलते हैं। अब इस गाने में दो तरीके की रिदम यूज कर सकते हैं। एक सिंपल डाउन स्ट्रोक है इस तरीके से, तो गिव मी ठीक है। तो ये सिर्फ डाउन डाउन स्ट्रोक है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। और दूसरा है सिर्फ डाउन अप, डाउन अप जो स्ट्रोक्स मैंने यूज किए हैं, ठीक है। तो ये डाउन अप कंटिन्यूअसली ये रिदम चलती रहेगी, ठीक है। तो ये रिदम क्या है, सिर्फ जो डाउन अप स्ट्रोक्स है वे कंटिन्यूअसली डाउन अप 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 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप प्ले कर सकते हैं, या फिर कोई और रिदम आपको अगर सही लग रही तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सिर्फ डाउन स्ट्रोक या फिर जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रेशन है वो ये है ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर एंड इसको याद कर लेंगे तो आधे से ज्यादा सॉन्ग ये इसमें कवर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर, ए मेजर, ठीक है। जो पहला वर्स है उसमें आप सिंगल सिंगल स्ट्रोक भी प्ले कर सकते हैं। ई माइनर, जी मेजर पे आएंगे, डी मेजर, आखिरी में ए मेजर, ठीक है। जो नेक्स्ट लाइन है सेम एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है। तो इन तीनों लाइनों के लिए सेम प्रोग्रेशन थी, ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर एंड ए मेजर। अब जिसके बाद लाइन आएगी उसमें प्रोग्रेशन चेंज है, उसमें सी मेजर आया है, सी मेजर एंड ए मेजर, ठीक है। याद रख समझ में आ गया। अब वर्स पे आते हैं। पहले उसमें जो प्रोग्रेशन यूज हुई उसमें भी ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर एंड ए मेजर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। और यहां से हम रिदम यूज करेंगे या फिर जो डाउन 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 स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब या तो इसकी जगह आप डाउन डाउन स्ट्रोक यूज कर सकते हैं, ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर, ए मेजर। अब जो नेक्स्ट लाइन की प्रोग्रेशन है वो है ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर एंड डी
सस्पेंडेड फोर, ठीक है, अगर ये आपको नहीं प्ले करना तो आप डी मेजर पे ही इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, डी मेजर टू डी सस्पेंडेड फोर, अदरवाइज डी पे रहेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसकी जो प्रोग्रेशन है एग्जैक्टली सेम थी, ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर एंड ए मेजर, बाकी जो प्रोग्रेशन है वो है सी मेजर एंड डी मेजर, ठीक है, सी टू डी। इसके बाद जो प्रोग्रेशन है वो है डी मेजर, ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर एंड ए मेजर, E minor, G major, D major, A major है, वो पूरा ऐसे ही प्ले होगा, ठीक है। उस पे छोटा सा पीस बजा हुआ है गिटार का, तो आपको E minor, G major, D major, A major ऐसे ही बजाना है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको पार्ट समझ में आ गया हो। अब वर्स पे आते हैं, सेकंड वर्स पे उसकी जो प्रोग्रेशन है वो भी E minor, G major, D major, A major, exactly जो पहला वर्स है वैसी ही है, इसकी जो प्रोग्रेशन है सिर्फ वर्स चेंज है। ये भी वैसे ही शुरू होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन भी ऐसे ही, एग्जैक्टली सेम प्रोग्रेशन थी, ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर एंड ए मेजर। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसकी जो प्रोग्रेशन है वो है सी मेजर एंड ए मेजर, और उसके बाद हम पहले कोरस पे आ जाएंगे, लेकिन इसमें लास्ट में एक लाइन ऐड होगी, तो उसकी जो प्रोग्रेशन होगी डी मेजर टू ई माइनर होगी, ठीक है। जो कोरस है उसमें सुनोगी, सेम। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसकी जो प्रोग्रेशन है ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर एंड ई माइनर, क्योंकि इसमें एक लाइन और ऐड हो रही है लास्ट में, अक्रॉस दिस न्यू डिवाइड। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जब हम सेकंड टाइम सेकंड वर्स को प्ले करेंगे तो ये लाइन उसमें ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद जो थर्ड वर्स है उसमें जो प्रोग्रेशन है वो भी एग्जैक्टली सेम है, ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर एंड ए मेजर, ठीक है। और जो नेक्स्ट लाइन है उसके लिए भी सेम है, सेम प्रोग्रेशन है जो हमने पहले वर्स में प्ले की थी, कोरस में प्ले की थी, और अब इसमें वर्स थर्ड में प्ले कर रहा है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, जी मेजर, डी मेजर आएंगे इसके बाद, ए मेजर, एग्जैक्टली सेम प्रोग्रेशन नेक्स्ट लाइन के लिए भी, प्रोग्रेशन हुआ है सी मेजर डी मेजर, कोरस वापस कोरस प्ले करेंगे,
तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं, इसमें आपको सिंपल सी जो प्रोग्रेशन है ई माइनर जी मेजर डी मेजर ए मेजर याद रखनी, आप पूरा सॉन्ग उसको प्ले कर लेंगे ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उसे लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।